अदाकार सलमान खान के लिए एक और धमकी अमेज फोन कॉल मुंबई पुलिस को मौसूल हुई, जिसमें नामालूम शख्स ने अदाकार को धमकी दी है कि इन्हें 30 अप्रैल को कत्ल कर दिया जाएगा। हाल ही में सलमान खान की एक्शन थ्रिलर कॉमेडी फिल्म किसी का भाई किसी की जान का ट्रेलर रिलीज किया गया है। एक तरफ सलमान खान ट्रेलर के रिस्पॉन्स को एंजॉय कर रहे हैं तो दूसरी तरफ इन्हें मुसलसल कत्ल की धमकियां मिल रही हैं। सलमान खान को कई रोज भारतीय गैंगस्टर लालच बिश्नोई की तरफ से कत्ल की धमकियां मिल रही हैं, जिस पर इनकी सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया गया है। लालच बिश्नोई ने धमकी देते हुए कहा कि काले हिरन के कत्ल के मामले पर इनकी बरादरी सलमान खान से नाराज है क्योंकि वो हमारे लिए जिल्लत का बायस बने। बिश्नोई ने अपने बयान में कहा कि काला हिरन मारने के इल्जाम में सलमान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, लेकिन उन्होंने माफ़ी नहीं मांगी। अगर वो अभी माफ़ी नहीं मांगते तो नतायज भुगतने के लिए तैयार रहें। सलमान खान ने कत्ल की धमकी मिलने के बाद अपने लिए जदीद तरीन बुलेट प्रूफ गाड़ी भी खरीदी है। धमकी अमेज ईमेल मौसूल होने के बाद मुंबई पुलिस ने सलमान खान की सिक्योरिटी में इजाफा कर दिया था। ताहम इसके बावजूद दबंग खान को महसूस हुआ कि इन्हें अपनी सिक्योरिटी को खुद भी इंतजाम करना चाहिए और इस मकसद के लिए उन्होंने जदीद बुलेट प्रूफ गाड़ी खरीद ली है। इतलात के मुताबिक सलमान खान ने जो गाड़ी खरीदी है वो फिलहाल पूरे भारत में दस्तयाब नहीं और इसे बरौने मुल्क से दरामद किया गया है। अब सलमान खान को एक और धमकी मौसूल हुई है, जिसमें कहा गया है कि 30 अप्रैल को कत्ल कर दिया जाएगा। गुज़िश्ता रोज मुंबई के मेन पुलिस कंट्रोल रूम में पुलिस को कॉल मौसूल हुई, जिसमें एक शख्स ने कहा कि वो सलमान खान को 30 अप्रैल को कत्ल कर देगा। इस फोन कॉल के फौरी बाद पुलिस ने तहकीकात का आगाज कर दिया और नंबर की जगह पता लगाने की कोशिशें शुरू कर दी। पुलिस ने तकनीकी मदद से फोन कॉल की जगह का पता लगा लिया, जिसके मुताबिक कॉल मुंबई से 70 किलोमीटर दूर के इलाके से की गई थी। भारतीय पुलिस के मुताबिक इलाके में कार्रवाई करके मालूम हुआ कि कॉल 16 साल लड़के ने की थी, जिसे हिरासत में ले लिया गया है। लड़के का ताल्लुक राजस्थान के शहर जोधपुर से है। मजीद कानूनी कार्रवाई और लड़के के रदा जाने के लिए तफ्तीश जारी है। भारतीय मीडिया के मुताबिक सलमान खान को गुज़िश्ता माह ईमेल के जरिए भी कत्ल की धमकी दी गई थी, जिसके बाद इनकी सिक्योरिटी बढ़ा दी गई थी। भारतीय पुलिस ने कई इकदाम किए हैं, लेकिन इसके बावजूद सलमान खान को मुसलसल धमकियां मिल रही हैं, जिस पर उन्होंने अपनी सरगर्मियां महदूद कर दी हैं।